इसके बाद में भगवान रुक्मिणी जी के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। एक बार भगवान जब अपने निजी कक्ष में रुक्मिणी जी के साथ विराजमान थे तो भगवान कहते हैं, देवी आपके विवाह में हमने सुना है बड़े बड़े राजा आए थे और आपने उन बड़े बड़े राजा प्रतापी राजाओं को छोड़ करके, रूपवान राजाओं को छोड़ के हमको श्याम वर्ण के, और हमारे तो पिता का भी पता नहीं है, और एक बार तो हम रण छोड़ के भाग गए, हम तो भगोड़े हैं। तो अपने अवगुण गिनाते हुए रुक्मिणी जी को कह रहे थे कि आपने हमें ऐसा क्या देख लिया जो हमारी बन गई, आप हमसे विवाह किया। तो बोले राजन जो है स्वामी, आप कहते हो कि आपका कोई पिता माता नहीं है। बोले ये बिल्कुल सत्य है, आपका पिता माता हो कैसे सकता है, आप ही सबके माता पिता है। जैसा कि कुंती जी ने कहा है, तुम्हें वो माता अच्छे पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो विद्या द्रवणम, तुम्हें वो सर्वम देव दे। और आप कहते हो कि आप रण छोड़ के भाग गए थे। बोले इसका भी मैं भाव बता सकती हूँ। भगवान एक एक प्रश्न कर रहे हैं और उत्तर दे रही है रुक्मिणी। बोले आप भागते हो, कहाँ से भागते हो हम बताएं। जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह बसा हुआ है, आप उसके हृदय से निकल जाते, भाग जाते हो। और जिसके हृदय में निष्कामता होती है, उसका हृदय भवन ही आपका शयन स्थान होता है। संतों के हृदय में आप शयन करते हो। तब भगवान ने कहा, देवी मैंने तो ऐसी हंसी की थी, क्योंकि पति पत्नी का भी एक रस होता है, आपस में थोड़ी हंसी ठिठोली करनी भी जरूरी है। अयम ही परमो लाभो ग्रहेशु ग्रह मेधिनाम यन मेर नियते याम प्रियया भीरु भागिनी। मैं तो ऐसी ही हंसी कर रहा था, तुम तो मेरी प्रिया हो, सदा सदा की प्रिया हो, और हमारा आपका सदा का मिलन है। इस प्रकार से ये रुक्मिणी जी का मनोमाली में श्रवण किया गया। बोलो गोविंद भगवान।